बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इजी लर्न में खुश आमदीद। आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन सी तीन शेप्स हैं जो फोर पॉइंट्स पे बेस्ड करती हैं, ए बी सी डी। इन शेप्स को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी देख रहे थे, ये हैं वो आपके सामने वो शेप्स जिनको हम लोग देख रहे थे। और कोशिश करता हूँ कि इस व्यू को बंद कर दूँ ताकि आप लोग मुकम्मल देख सकें फुल व्यू। तो यहाँ पर आप देखें कि हम लोगों ने स्केयर को डिस्कस किया। स्केयर क्या होता है? जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं, एक क्लोज्ड शेप होती है। फिर हमने रेक्टेंगल को डिस्कस किया। रेक्टेंगल ये होता है कि जिसकी आपके पास ये फोर साइड्स में से कोई दो साइड्स आपस में इक्वल हों और दो साइड्स आपस में इक्वल हों। फिर हमने पैरेललोग्राम आज देख रहे हैं और पैरेललोग्राम हमारी लास्ट शेप है। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप है जो थोड़ी सी टिल्टेड है। यूँ समझ लें कि जैसे यह कोई स्केयर था, वो गिर रहा है, ठीक है। जब कोई आप लोग बड़ी बचपन में शायद हर एक ने क्यूब्स एक होते थे हमारे पास, हम लोग जोड़ जोड़ के बनाते हैं क्यूब्स से शेप्स। अब तो मोबाइल का दौर है, हर कोई मोबाइल से फिज़िकल एक्टिविटीज़ तो कम से कम है, लेकिन वो क्यूब्स जब गिरने वाले हो जाते थे ना, हम लोग ज़्यादा हाइट पर उसको बना लेते थे स्केयर कोई, तो वो इस तरह गिरने वाला जब हो जाता था तो कुछ यूँ हो जाता था। इसमें ये तो एक वैसी मैंने मजाक में बात की। इसमें जो हमारे सामने पहचान इसकी ये होगी कि जो ये वाली साइड है वो इसके बराबर सेम पैरल जिस तरह रेक्टेंगल में है, वही चीज़ यहाँ पर है। ओनली डिफरेंस इज़, डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर ये 90 का एंगल हर जगह पे बन रहा था। अगर आप डायगनल बनाते हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्टेन हो रही थी, तो यहाँ पर वो राइट एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है वो फुलफ़िल नहीं होगी। मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड की तरफ डेफिनेटली लेके जाना चाहूँगा। हमारे पास कौन सी कैटेगरी चल रही है? दैट इज़ दी सी, ठीक है। हम लोग सी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ पैरेललोग्राम। हम लोग पैरेललोग्राम डिस्कस कर रहे हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल थोड़ी सी एक जैसी शेप्स हैं, इनको डिफरेंस करना थोड़ा सा है। आपके पास ये जो चीज़ है, दिस इज़ क्या है? ये रेक्टेंगल है, और अगर मैं इसे थोड़ा सा टिल्टेड कर दूं, अब आप देख सकते हैं कि ये जैसे ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ऐसे ही ये साइड के इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। सेम ये भी ये पैरेलल साइड्स हैं, ये भी ये और ये पैरेलल साइड्स हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। व्हाई वी कॉल इट ए रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम, उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो आती है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास 90 का एंगल बनता है, यहाँ पर आपके पास 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 90, सारे एंगल 90 के हैं। दीज आर द डिफरेंट एंगल। जो डिफरेंट एंगल होते हैं उनको आप लोग यूँ एक कर्व से ड्रॉ करते हैं, जो 90 का होता है उसको यूँ एक एज शेप से बनाते हैं। अब यहाँ पर आप प्रूव करने के लिए चेक कर सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कोई डायगनल की एंट्रीज को आपस में मीट करता हूँ, सपोज़ करें मैंने आपके पास अगर मैं पॉइंट्स के नाम रख लेता हूँ लाइक ए बी सी एंड डी, तो मैंने इसको मिलाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेरे पास एक ट्राइंगल तो बन रही है, ये जो नीचे भी है ऊपर भी हर साइड पर बनेगी, चार ही बनेगी इसमें भी। लेकिन अगर मैं इस वक्त ये वाली जो ट्राइंगल है जो कि आप यूँ समझ लें कि दैट इज़ दी डी सी बी, इसमें अगर मैं बात करूं कि ट्राई एंगल डी सी बी में जो मेजर एंगल आपके पास डी सी बी है, डी सी बी है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 90। याद रखिएगा मैंने ये कहा नॉट इक्वल टू 90। मैंने ये भी कह सकता था कि ये ग्रेटर देन 90 होगा, मैं ये भी कह सकता था कि लेस देन 90 होगा। ग्रेटर देन और लेस देन की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो शेप है ये आपको इस तरह से भी नज़र आ सकती है। लाइक अगर अब मैं इन दोनों डायगनल्स को बना देता हूँ, यू कैन सी कि अब वही डायगनल्स हैं, लेकिन ये जो एंगल है डेफिनेटली ये पहले मतलब ज़्यादा था, बड़ा था 90 से,
अब ये 90 से छोटा है, यहाँ तक तो 90 होता है स्ट्रेट, उससे पीछे को आ रहा है, पहले उससे आगे को जा रहा था। ओवरऑल आपके पास जो एंगल्स हैं वो ऐसा नहीं है कभी सारों का जो सम है वो एक इक्वली रहता है, ठीक है। कितना होता है टोटल, किसी को पता है टोटल जो एक क्लोज्ड शेप होती है उसका जो सम है सारे एंगल्स का वो कितना होता है? बढ़िया आसान से सॉल्यूशन है इसका, यहाँ से देख लें, 90 90 90 90 90 180 180 प्लस 180 360, टोटल आपके पास 360 होगा। इधर भी 360 होगा इंटरेस्टिंगली, लेकिन अगर यहाँ पर सपोज करते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पर आपके पास 30 है, ठीक है, तो उतना ही यहाँ पर इजाफी है, मतलब 690 से यहाँ 30 कम था तो यहाँ पर आपके पास हो सकता है 60 हो एक्स्ट्रा, उतना ही यहाँ पे, यानी कि ओवरऑल अगर आप काउंट करेंगे ना जब, तो आपके पास वही आएगी, यहाँ पर 60 है, तो ये वाले एंगल्स बराबर होते हैं इसमें, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 30 है तो ये भी 30 है, तो 30 30 60 और 120, 120 प्लस आप काउंट कर लें कितना होता है, तो ओवरऑल जो आपके पास, मैं ये कहना चाह कि ये यूं मतलब मैं बना रहा था यहाँ पर कि ये 360 है, तो यहाँ पर अगर जैसे देखें तो ये अगर आपके पास 30 है तो 90 प्लस यहाँ पर उतना ही एक्स्ट्रा होगा, 90 प्लस 30, ये मैंने मिस्टेक कर लिया, ओहो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, सॉरी प्लस करना था, मैंने माइनस किया हुआ है, 120 यहाँ पे 120 यहाँ पे, तो ये टोटल कितना हो गया, डैट इज़ 240 प्लस 60, तो ये तो कुछ और ही बन गया है, आई डोंट, मुझे लगता है मेरे मिस्टेक होगी, इसे छोड़े पड़े दफ़ा मारे। असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका ओवरऑल जो होगा ना जब एंगल आएंगे तो उसे हम तब देख लेंगे, अब ये मेरे से मिस्टेकनली ये 60 60 होंगे, इसका मतलब ये है यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ओवरऑल ये जो है ये आपके पास कितना बनना है, डैट इज़ डेफिनेटली 360, मतलब ये तो जब आएंगे तो हम इसको देखेंगे ना। मैं अब ये कह रहा हूँ कि अब आपके पास गौर से बात सुने, एक अगर आपके पास रेक्टेंगल होगा तो आप लोगों ने क्या प्रूव करना होता है, सपोज मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ, दिस इज़ योर ए बी सी डी, आपके पास जो प्रूव करना होता है कि लेंथ ऑफ ए बी का मॉड इज़ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डी सी मॉड, ये आप लोगों ने पहला रिलेशन प्रूव करना होता है, मस्ट प्रूफ। दूसरी चीज़ जो आपने प्रूव करनी होती है वो ये कि आपके पास लाइन सेगमेंट ए डी, ये वाली लाइन जो आपके पास है, दिस इज ए डी, इट मस्ट बी इक्वल्स टू द लाइन बी सी, ये दो चीज़ें जब आपके पास प्रूव होती हैं तो तब ये रेक्टेंगल कहला सकती है। सेम इज़ द केस हेयर, यहाँ पर भी अगर आप आ जाएँ तो आपने पहली चीज़ यही प्रूव करनी है कि ए बी लाइन सेगमेंट जो है उसकी लेंथ और लाइन सेगमेंट बी सी जो है वो बराबर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अगर ये 4 सेंटीमीटर की है ये भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सेकेंड केस जो आपने प्रूव करना है वो ये है कि लाइन सेगमेंट अगर आपने कोई नहीं, मैंने मिस्टेक कर दी अनफॉर्चुनेटली, डी सी इसके बराबर थी। सेकेंड चीज़ जो आप लोगों ने प्रूव करनी है वो यहाँ वाली है, सेम ए डी जो ऐसी होगी डैट इज़ बी सी, दोनों में आपने यही चीज़ प्रूव करनी है, और ये मैं पता है हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, आपके पास ये साइड इस साइड के बराबर आनी चाहिए, ये साइड इसके बराबर आनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक और काम एक्स्ट्रा जो किया था, यहाँ पर इतना रखता हूँ व्यू, वो ये था कि आप लोगों ने ये प्रूव किया था कि किसी भी आपने डायगनल्स को मीट किया, सपोज करते हैं मैं यहाँ पर ये जैसे उसमें एक डायगनल को मैंने ज्वाइन करवाया, तो मैं यहाँ पर भी कोई एक डायगनल ज्वाइन करवा देता हूँ और मेरे पास ये एक ट्रायंगल जो है वो ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। मेजर एंगल आपके पास डी सी बी जो है, डी सी बी ये वाला जो मेजर एंगल है ये आपके पास 90 होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास मेजर एंगल जो आपके पास डी सी बी है ये 90 नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो, मतलब हमें ये नहीं पता कि वो कितना होगा, बस ये 90 नहीं होना चाहिए, बड़ा हो छोटा हो, और वो पता कैसे लगेगा कि ये 90 है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि आपकी ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं यानी कि पैथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम तो नहीं लिख रहा, मतलब मैं रिलेशन लिखूंगा ताकि आपको सुन सुन के बात याद हो जाए, वो ये वो क्या होता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, यानी कि एक साइड डी सी है और एक साइड सी बी है,
ये दो साइड्स हैं, ठीक है, और आपके डी बी जो थर्ड साइड है उसके बराबर होना चाहिए, डी बी है ना, ठीक है, ये इस चीज़ के बराबर आ जाए, इट मीन्स के इट इज़ इक्वल्स टू 90। ये चीज़ आप लोगों को इसमें प्रूव करनी पड़ती है। अगर आपको मैं कहूँ कि प्रूव करें कि ये एक रेक्टेंगल है, इस केस में आपको ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप लोग क्या करेंगे कि ये चेक करने के लिए, अगर अपनी मर्ज़ी के लिए, ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, उसमें ज़रूरत होती है वो प्रूव करने के लिए कि वो एंगल 90 क्या है। इधर हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमें कहेगा नहीं क्वेश्चन में। और अगर वो कहेगा कि चेक करके बताएं कि क्या ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, तो तब हमें अपने तौर पर चेक करना पड़ेगा ना, तो तब हम इसको चेक करके बताएंगे। तो बेसिकली ये तरीका जो है ना, ये चीज़, ये जो अभी हम नीचे लिख रहे हैं, पैथागोरस थ्योरम, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द चेकिंग ऑफ इज देयर अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने का तरीका है। सो अब हम बारी आती है कि ये इधर काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस हमें वो कहेगा नहीं, तो इधर करने की ज़रूरत होती है, इधर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर हम इतना ही काम करेंगे जिसके ऊपर मैं ये स्टार कर रहा हूँ, हम इतना काम करेंगे। लेट्स सपोज के अब इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल लेकर आया हूँ, और उस एग्जांपल को हम आज की डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, लेट्स से, ठीक है, आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज़ योर एक्स, एक्स बार, दिस इज़ वाई एंड वाई बार। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लगा रहा हूँ, जनरल अंदाज़ा से आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप वहाँ पर उसको अच्छे तरीके से लगा लेंगे। डैट्स इनफ, ये आपके पास ओरिजिन है। अब पहला पॉइंट जो मेरे पास आ रहा है यहाँ पर वो क्या है, पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास -2, 1, सो दिस इज़ -2 और +1, सो ये आपके पास 1। कैसे आया हूँ रिपीट करता हूँ, दिस इज़ -1, दिस इज़ -2, सो -2 एंड दिस इज़ y1। सो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -2 एंड 1। अगर आप मतलब इतना बहुत एक्यूरेसी के साथ कोई पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, जैसे मैंने एक्यूरेसी से यूज़ किया है, अगर आप ग्राफ पेपर में लगाएंगे स्केल ड्रॉ करके और ये सब कुछ, तो आपको वहीं पे ही अंदाज़ा हो जाएगा अपने बहुत सारे क्वेश्चंस में कि ये क्या चीज़ है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो ये कोशिश करनी है एक्यूरेसी से ड्रॉ करें पॉइंट जो भी गिवन हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है 2, 1, सो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1, सो नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पर आ रहा है, डेट इज़ 2, 1। उससे नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, डेट इज़ 3 और 3, x3 और y3, सो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ 3, 3। उससे नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, -1 और 3, सो दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ 3, सो दिस इज़ द नेगेटिव नेक्स्ट पॉइंट, -1, 3। अब मैं इनको रैंडमली कुछ नाम असाइन कर देता हूँ, लाइक दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, सी, और इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ। अब करना सिर्फ इतना है कि हम लोग क्या करेंगे कि इन पॉइंट्स को आपस में जॉइन करवा देंगे। अब चूंकि डेफिनेटली इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी से नहीं ना मैं उससे पॉइंट लगा, लेकिन ये आप जब ग्राफ पेपर पे एक लगाएंगे तो ये आपके पास बहुत ही हाईली एक्यूरेसी के साथ पॉइंट्स ड्रॉ हो जाएंगे। तो आपने इन पॉइंट्स को क्या करवाना है, जॉइन करवाना है। अब ये पॉइंट्स जॉइन करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है नज़र आ रहा है थोड़ा सा, देखिए ना, ये तो अभी इतना मैंने एक्यूरेसी भी नहीं यूज़ की, ये साइड बराबर नज़र आ रही है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर नज़र आ रही है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यू कैन ईजिली सी डैट दिस इज़ नॉट ए 90 एंगल, कि यहाँ पर एंगल जो है ये 90 का नहीं है ये वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है थोड़ी सी टिल्टेड है एट एन एंगल, ठीक है। सो ये आपको अंदाज़ा भी हो गया। अब हम प्रूव करेंगे, ऐसे ही हवा में बात नहीं करेंगे। सो प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहला आपने जो रेक्टेंगल होगी उसमें क्या प्रूव करना होता है, आपने सिंपल ए बी जो है वो आपका आना चाहिए किसके बराबर, ये वाली जो साइड है ए बी, इट मस्ट बी सी डी, सी डी के इक्वल आनी चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट रिलेशन, यू गोना नीड टू प्रूव इट, यू हैव टू प्रूव इट। एंड द सेकेंड रिलेशन इज़, वो हम थोड़ा सा आगे प्रूव करते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ए पॉइंट ले रहा हूँ विच इज़ -2, 1, और आपके पास जो बी पॉइंट है डैट इज़ 2, 1,
या आपकी मर्जी, आपने रैंडमली पॉइंट सेलेक्ट करने हैं तो कैसे ए बी निकलेगा, डैट इज़ एक्चुअली डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, विच इज़ एक्स टू माइनस एक्स वन स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्केयर। सो इस चीज़ को जब आप लोग सॉल्व करेंगे कि आप लोग देख सकते हैं डैट इज़ टू प्लस वन स्केयर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया फार्मूले का माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर वन प्लस माइनस वन स्केयर। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या आता है, ये आप देख सकते हैं कैंसलेशन हो जाएगी, ज़ीरो आ जाएगा, एंड हेयर यू कैन सी कि हमारे पास क्या आ रहा है। ओ मिस्टेकनली आई अगेन यहाँ पर मैं मिस्टेक कर देता हूँ, आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी, टू माइनस टू, ये टू, ये माइनस और माइनस प्लस, और ये टू था, ये नॉट वन, दिस इज़ टू। सो यहाँ पर आपके पास फोर स्केयर और ये कट गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केयर और ये कट के, और ये फाइनली आपके पास फोर आ गया पॉजिटिव में ए बी मॉड। नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट सी डी मॉड। यहाँ पर मैं साइड पे करके सी डी का मॉड फाइंड कर रहा हूँ, और मैं इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेता हूँ, एक्स टू वगैरह का फार्मूला यहीं से देख लें, तो सी डी की तरह पहले सी डी तो लिख लेना, पॉइंट सी की तरह पॉइंट दर एक मैंशन कर दें, सी पॉइंट है आपके पास थ्री एंड डी पॉइंट इज़ यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर, सो नेगेटिव वन माइनस थ्री स्केयर एंड थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री। मैंने डायरेक्टली किया है, फार्मूला नहीं लिखा इस बार, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है इसलिए मैंने इस तरह किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव फोर जो है उसका स्केयर, और यहाँ पर आपके पास ये ज़ीरो स्केयर, नेगेटिव फोर हो सिक्सटीन विच इज़ इक्वल्स टू फोर स्केयर, तो ये कट गया विच इज़ इक्वल्स टू फोर। सो सी डी भी आप देख सकते हैं कितना आया, फोर। यहाँ पर इनकी जो वैल्यू आई है उसको काइंडली नोट करवा दें, ए से लेकर यहाँ से लेकर जो बी तक का डिस्टेंस है विच इज़ फोर सेंटीमीटर कह देते हैं चलें, और जो सी से डी तक का डिस्टेंस आया हमारे पास, या डी से सी तक का, एक ही बात है ना, डिस्टेंस टू डिस्टेंस होता है, दैट इज़ आल्सो फोर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी साइड पर, ये दोनों साइड्स तो प्रूफ होगी, अब हम चाहते हैं कि हम ये भी प्रूव कर दें कि आपके पास ये जो ये वाली साइड है जिनके ऊपर मैंने डबल लाइंस लगाई हुई हैं, यानी कि साइड ए डी इज़ इक्वल्स टू साइड बी सी। सो ये दो साइड्स प्रूव करने के लिए मेरे पास पहले ए पॉइंट होना चाहिए, डैट इज़ माइनस टू वन, और डी पॉइंट है मेरे पास नेगेटिव वन और थ्री। सो यहाँ पर ए डी एक्चुअली आप ले रहे हैं डिस्टेंस, किन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस ले रहे हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पक्का याद हो जाए, फार्मूला कभी ना भूले, बार बार अगर आप सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जब आप लिखेंगे ना तो आपको याद आएगा, मेरे यही अल्फाज आपको याद आएंगे एग्जाम्स में। यहाँ पर आप लोग देखें माइनस वन, और ये माइनस माइनस प्लस टू स्केयर, और यहाँ पर प्लस, और ये थ्री माइनस वन स्केयर। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट इसका आता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वन स्केयर और यहाँ पर टू स्केयर। सो लेट्स सी क्या आता है, वन का स्केयर वन फोर, और ये कंप्लीट नहीं बन रहा कोई भी, तो वट एवर इट इज़ जस्ट राइट इट एज इट इज़। तो ए जो डी आ रहा है डैट इज़ फाइव, तो इसको भी जेहन में रखिएगा। अब हम लोग जो पॉइंट ले रहे हैं डैट इज़ बी सी, तो उसके लिए हमें पहले बी पॉइंट का पता होना चाहिए डैट इज़ टू वन, और जो सी पॉइंट है आपके पास दैट इज़ थ्री थ्री। सो बी सी का जो मॉड है वो आपके पास क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्केयर। यहाँ पर एक्स टू जो है वो थ्री है, माइनस टू स्केयर माइनस फार्मूले का, यहाँ पर थ्री माइनस वन स्केयर। यहाँ पर आपके पास वन रह गया और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव टू रह गया, सो वन प्लस फोर। अगेन यू कैन सी कि ये भी हमारे पास स्केयर रूट ऑफ फाइव आ रहा है, तो बी सी का जो मॉड है इट इज़ आल्सो इक्वल्स टू फाइव, एंड वी कैन से डैट ए डी इज़ इक्वल्स टू बी सी। अच्छा, एक चीज़ जाने से पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स के लिए बताऊंगा कि उसकी ज़रूरत नहीं है जब तक वो आपको कहे ना। हमने ये चीज़ तो प्रूव कर दी अब कि ये जो दो साइड्स थी, यहाँ पे आया ना ज़रा स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, हमने कि अभी क्या प्रूव किया है कि आपकी ये वाली जो साइड ए बी है और ये वाली जो साइड है ये बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है।
लेकिन हमने ये नहीं प्रूव किया, ये तो रेक्टेंगल में भी हो सकता है। अगर सपोज मैं आप लोगों को बताता ना कि ये जो पॉइंट्स हैं ये रेक्टेंगल के हैं या पैरेललोग्राम के, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना थोड़ा सा कि यार ये पता नहीं रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं कि पैरेललोग्राम में। वैसे तो अगर आप इंटेलिजेंट होते तो आप लोगों को मैंने बताया कि जब भी आप एग्ज़ाम्स में इसको एक्यूरेटली प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को, तो वहीं आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है। तो कभी भी मिस्टेक ना कीजिएगा, मतलब ये ना हो कि आपको यहाँ से नज़र आ रहा है ये पैरेललोग्राम है और जब आप मतलब इसमें ए बी सी डी में कोई निकालते हो कि मिस्टेक कर दें और वो मतलब 90 का एंगल बनाया हो, यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 90 का एंगल नहीं है, थोड़ी सी टिल्टी है, पैरेललोग्राम है। तो इसके अंदर जो पैथागोरस थ्योरम है वो इक्वल नहीं आता, ठीक है ना, ये इसमें वो थ्योरम जो है वो होल्ड नहीं करता। ओहो मैंने ये ओहो अनफॉर्चुनेटली ये मैंने मिस्टेक की हुई, दिस इज ये इसमें इक्वल नहीं आता, इसमें आता है। इसमें अगर इक्वल आ जाए तो ये तो फिर 90 के इक्वल आ जाएगा ना। अगर तो ये इज इक्वल टू दिस साइड, यानी कि आपकी एक साइड समझेंगे ये आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर आपके पास ये वाली साइड और आपके पास ये वाली साइड का स्केयर इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ स्केयर, इट मीन्स कि यू हैव ए 90 डिग्री एंगल राइट हेयर। तो ये इक्वल नहीं आएगा इस केस में। अगर आप चाहें तो आज मैं प्रूव कर देता हूँ, लेकिन अगेन इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले मैं अब प्रूव कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पूरी चीज़ को यहाँ से कट करता हूँ, ये मैंने इसको सेंटर से कट किया। अब आप चाहते ही हैं कि ये एंगल जो है ये प्रूव करें दिस इज़ नॉट अ 90 डिग्री एंगल। तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल बनी है ए बी सी, यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास एक ट्रायंगल, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये ना हो आप लोग इससे कंफ्यूज हो जाएं। हम लोग अभी जो कर रहे हैं डेट इज़ ए ट्रायंगल ए बी सी, और मेजर एंगल हम लोग जो प्रूव करना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो आपके पास एंगल है ए बी सी, ये वाला एंगल ए बी सी, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट मीन्स कि आपकी ये जो ये वाली साइड और ये वाली साइड का स्केयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू द थर्ड साइड स्केयर, यानी कि पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई नहीं करेगा। उसका आंसर इक्वल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के नहीं आनी चाहिए, यही हम लोग चाहते हैं प्रूव करें। यानी कि ए बी जो साइड है इसका स्केयर अगर आप इसमें प्लस करवाएं बी सी का स्केयर, बी सी स्केयर इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ए सी लार्जर साइड के स्केयर, ये इक्वल नहीं आएगा। अब हमारे पास ए बी भी मौजूद है, बी सी भी मौजूद है, हमारे पास ए सी नहीं है। सबसे पहले मैं ए सी फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पर साइड पे। आपके पास जो ए पॉइंट है वो क्या लिखवाइएगा, नेगेटिव 2 1, और सी पॉइंट है आपके पास 3 3। सो अगर मैं यहाँ पर ए सी का मॉड निकाल लूँ विच इज़ इक्वल्स टू 3 + 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्केयर प्लस 3 - 1 स्केयर। सो यू कैन सी कि ये हमारे पास 5 स्केयर, और एक बार मैं देख लूँ 3 और ये प्लस 2 स्केयर, ठीक है, और 3 - 1 स्केयर, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास ये 2 स्केयर, एंड यू कैन सी के 5 का क्या होता है 25 और इसका क्या होता है 4। यू कैन सी 29 स्केयर रूट आ रहा है। सो जो भी आ रहा है इसको आप इधर लिखें, यहाँ पर आ रहा है 29 स्केयर रूट और इसका लेंगे हम स्केयर, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस। अच्छा ए बी क्या आई थी आपके पास 4 और दूसरी क्या आई है बी सी, ठीक है, स्केयर रूट ऑफ 5। अगर आप इसका लेंगे 16, इसका ये कट जाएगा 5 और ये 29, ये कट गया। तो 16 + 5 कितने होते हैं 21 is not equals to 29। So you can see कि ये angle 90 का नहीं है। अगर ये 90 का होता तो ये left side और right side हमारे पास बराबर आती। So यहाँ पर हम लोग finally इस conclusion पे पहुँचे कि मैंने ये प्रूव भी करके दिखाया है, आपके बुक में ये प्रूव नहीं किया हुआ, ना ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी until and unless कि आपको क्वेश्चन में ये डिमांड नहीं की जाती। आज की डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होती है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आज किया है, और नहीं ये नहीं किया, किधर गया किधर गया, ये हाँ ये किया पैरेललोग्राम वाला, ठीक है। तो ये सारा वो रिलेशन है, ये देखें आपकी बुक में जो एग्जांपल थी बड़ी करके उन्होंने वो रेक्टेंगल बनाई है, और ये उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर आप डायगोनल को मिलाएं तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। सो जस्ट आज के लिए इतना ही, कमिंग लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ये जो मैंने आपको काम करवाया इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।